ऐसे रोड को देख के एक्चुअली लग रहा है यार क्या हमारा सही डिसीजन है या नहीं है। रात को अगर ऐसी रोड पे बाइक चलानी पड़ गई ना भाई साहब, इंडिया, यस इंडिया, वी आर कवरिंग 24 कंट्रीज। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी आपने, जिसमें फरहान अख्तर अभय देओल को कुछ गलियों में लेके जाता है और उसको बताता है कि मुझे कुछ पेंटिंग परचेज करनी है। तो वो लोकेशन देख रहे हो, तो ये वो लोकेशन नहीं है। सबसे पहले हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोटोर। और कोटोर पड़ता है एक्चुअली मॉन्टेनेग्रो में, और इतनी अमेजिंग लोकेशन है, इतनी प्यारी लोकेशन है, वो आपको मेरे पीछे से देखने से पता लग ही गया होगा। बस एक सैड पार्ट रह गया मेरे लिए कि कल मैं यहाँ पर ना लगभग शाम को पहुँचा था, 6:30 से 7 बजे, जब ऑलमोस्ट यहाँ पर अंधेरा होने वाला था। और ये जो मतलब डे टाइम का एक्सप्लोरेशन था ना, वो मेरे से मिस हो गया था। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अच्छी तरह से दिन में भी सारी चीज़ें कवर कर सकूं, लेकिन वर्थ विजिटिंग प्लेस। शाम को तो यूरोप का अलग ही मज़ा आ जाता है। और छोटी छोटी सी गलियां, कैफेज यहाँ पर बहुत सारे हैं, और ये जो आर्किटेक्चर है ना, पूरा पत्थर, बहुत डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये जो है ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसको हम ओल्ड टाउन भी बोलते हैं कोटोर का। अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो ना मॉन्टेनेग्रो आने का, तो यहाँ पर स्टे ज़रूर करना। हमें बहुत ऑप्शंस मिल रहे थे स्टे करने के लिए बाहर भी, लेकिन हमने प्रेफर किया, थोड़ा सा हमें एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ा यहाँ पर, हमने लगभग 60 यूरो दिए हैं बहुत छोटे से कमरे के लिए। बट कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी लोकेशन पर मुझे 80 यूरोज भी देने पड़ते ना, तब भी मेरे को वर्थ था, रादर मैं इतनी दूर कहीं पर स्टे करता और यहाँ पर आता। साथ में यहाँ से हमारा रूम है, थोड़ा सा भूल भुलैया क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। अभी वापस जाते वक्त मैं थोड़ा सा गोप्रो लगा के जाऊँगा, क्योंकि हमारी बाइक्स ना यहाँ से कम 300 से 400 मीटर दूर खड़ी हुई है। तो जब मैं हेलमेट पहन के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लगेज भी है कुछ, तो मैं थोड़ा सा ना आपको व्यू विद गोप्रो में दिखा दूंगा। तो ब्रेकफास्ट का आज कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि हमारे जो रूम है ना, उसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है। तो अभी हम शायद बाहर जाएंगे, मतलब राइडिंग गियर्स प्रॉपर पहन के, और फिर उसके बाद ही जो भी ब्रेकफास्ट होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। बस ऐसा कुछ भी हुआ है। तो अभी ना मैं वहां से आया था, और ये है अपना रूम। मैं आपको एक बार छोटा सा अपने रूम का टूर दे देता हूँ। ये हमें बहुत छोटा सा रूम मिल गया था, हमें लगा था थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि booking.com पे ना ये रूम थोड़ा बड़ा दिख रहा था, क्योंकि हमने एज एन अपार्टमेंट से बुक किया था। इस प्रॉपर्टी के हमने 60 यूरोस पे करे हैं, विच इज़ फाइन। मुझे थोड़ा सा छोटा ज़रूर लगा, थोड़ा सा बड़ा होता तो ठीक रहता, अनकंफर्टेबल हो गया था। बट अगर ऐसी लोकेशन पे रहने का मौका मिल जाए और इतने चार्जेस के साथ, कभी कभी इतना भी वर्थ होता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, सारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, बाइक पर सारा सामान लोड है, अपना यहाँ से निकलते हैं। सो ये है सबसे चैलेंजिंग टास्क यहाँ का, पूरे राइडिंग गियर्स पहन के दोनों हाथों में अपना लगेज उठा के कम 300 मीटर, 300 नहीं तो 200-250 मीटर से ज़्यादा ही है। अब वहाँ तक जाना है, बाइक खड़ी है पार्किंग में, पार्किंग नहीं है, वो रोड पे खड़ी है, दिखाते हैं अभी आपको। देखो ये है, सुबह मैं आया था लगभग, अभी तो 10 बज रहे हैं, मैं यहाँ पर 9 बजे के आसपास आया था, तब भी यहाँ पर इतना क्राउड था, पर बहुत अच्छी लोकेशन लगी मुझे, बहुत अच्छी। तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी शॉप्स हैं, बहुत हैवी है। तो ये एक पूरा ना ओल्ड टाउन है कोटोर का। रात का व्यू तो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अभी दिन का भी देख लो, लोग सुबह सुबह कैफ़े में रिलैक्स। ये शायद टूर गाइड आया हुआ है इनका, उनको एक्सप्लेन कर रहा है। हो कितने बच्चे आए हुए हैं यहाँ।
अपने रूम से ना बाइक तक आते आते ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, आपको शायद मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा, लेकिन शाम का व्यू और मतलब मॉर्निंग के व्यू में ना कितना डिफरेंस है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर लोग आ रखे हैं और ये कितनी फेमस डेस्टिनेशन होगी। कहते हैं कि 2000 में ना, ईयर 2000 में इसका जो टूरिज़म था ना वो एकदम बूम पे हो गया था और उसके बाद ये रुका नहीं है बिल्कुल भी। और छोटे छोटे यहाँ पर पीछे आप देख रहे हो स्कूल के शायद बच्चे आ रखे हैं, इनको टूर पर लेके आए हुए हैं। और खाली छोटे बच्चे नहीं है, बड़े लोगों का भी बहुत सारे टूर ऐसे आए हुए हैं। साथ में ना ये एक क्रूज खड़ा है, ये छोटा सा क्रूज है, लेकिन यहाँ देखो, ये देखो कितना बड़ा यहाँ पर एक क्रूज खड़ा है। और ये उन लोगों के लिए तो परफेक्ट है जो कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ पर स्टे करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ओके सर, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच सर। तो आज हम हैं कोटोर में और ये मैंने आइटनरी ऐसे बना रखी थी और आज हमें जाना है डोरमिटोर नेशनल पार्क, है हमारा आज का पॉइंट पेरस्ट, पहला हमारा है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद है ऑस्ट्रोग ऑर्थोडॉक्स मोनेस्ट्री। ये मैंने सब ना अच्छी तरह से रिसर्च करके बनाया था मैप, लेकिन अभी मुझे ना ये चीज़ें याद नहीं है कि इसमें क्या था क्या नहीं था, जब जाएंगे ना तो पता लग जाएगा। ओके सो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर, जय माता दी। एक सायरन और गाड़ियां सारी साइड वे। तो ये तो बड़ा क्रूज है, तो यहां पर जो लोग आते हैं ना तो ये क्रूज की भी राइड लेते हैं। बस एक छोटा सा यहां पर ना रिग्रेट रह गया ड्रोन उड़ाने का। बिलीव इट और नॉट, अगर यहां पर ड्रोन उड़ जाता ना तो ये अभी तक की सेकेंड मोस्ट खूबसूरत ड्रोन शॉट होता इस वाली राइड का। इतना खूबसूरत लेक का व्यू है और ऊपर पहाड़ों से मैं ड्रोन शॉट ले रहा था, लेकिन ड्रोन उड़ा ही नहीं, सिग्नल नहीं है यहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए। बट कोई बात नहीं यार, ये तो चलता रहता है। लेकिन तो मैं यहाँ पर बाइक ले तो आया हूँ, पता नहीं अलाउड कर रहेंगे नहीं करेंगे, कोई बोले ना कुछ यहाँ पर क्यों बाइक ले आए। पर ये देखो कितनी प्यारी लोकेशन है। तो ये जो फ्रेम है कितना प्यारा और कितना परफेक्ट लग रहा है। और अभी मैं हूँ पेरास्त में। पेरास्त एक्चुअली मैंने आइटनरी में इसलिए डाला था कि अगर इनकेस कोटोर में हमें रहने की प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि वो ओल्ड टाउन है, ओल्ड टाउन में यूजुअली क्या होता है, पुरानी दिल्ली है तो कितना मुश्किल है वहाँ पर भी होटल अगर ढंग का रहना हो तो, पर हमें मिल गया था तो हम पेरास्त में नहीं रुक रहे हैं। लेकिन जगह जगह पर ऐसे मतलब पॉइंट्स बने हुए हैं और यहाँ पर एक क्रूज भी खड़ा हुआ है, ये सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा, इसके लिए मैं यहीं पर ही रुक गया। कहीं कहीं जगह पर ना ग्रीन कलर का पानी दिखता है, कहीं कहीं जगह पर ब्लू कलर का पानी दिखता है, और ये फ्रेम एकदम परफेक्ट आया, एकदम प्यारा परफेक्ट फ्रेम है ये वाला। अभी एक ऐसी रोड पे हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक फ्री बर्ड हूँ। अभी तक इस राइड में क्या है, मेरे पार्टनर मेरे साथ चलते हैं आगे पीछे, या फिर अगर आगे पीछे नहीं भी चल रहे होते ना तो कोई ना कोई गाड़ी दिखती रहती है। लेकिन अभी पिछले 5-7 किलोमीटर से ना मुझे कोई भी नहीं दिखा इस रूट के ऊपर, और जो मेरे पार्टनर भी हैं वो भी शायद मेरे से 10-12 किलोमीटर आगे हैं। तो मैं पीछे रुक गया था फ़ोटोज़ के लिए, तो अभी टोटली मैं फ्री बर्ड हूँ। मैं बस मैप चल रहा है मेरा, मुझे पहाड़ों के अंदर हूँ, आराम से इंजॉय करते करते राइड कर रहा हूँ। तो आपके साथ भी आज भी होता होगा जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, इंडिया में मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको डर लगता होगा यार कौन जाएगा, पहली पहली की बार की बात कर रहा हूँ। ये जब आप इंटरनेशनल सोलो करते हो तो ये शुरू शुरू में आपको डर होता है। सच बताऊँ थोड़ा बहुत है अभी मुझे, और वो मेरा धीरे धीरे डर अब कम हो रहा है। मुझे बहुत सारी चीज़ें अब समझ आ चुकी हैं कि कैसे करते हैं सारी चीज़ें, कहाँ रहा जाता है, कैसे मैनेज की जाती हैं सारी चीज़ें। तो अभी देख रहे हो कितनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई व्हीकल नहीं दिखा, कोई बाइक नहीं दिखी, कोई कार नहीं है, कोई होटल कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। सीरियसली यार, अच्छा खासा हाईवे चल रहा था, मुझे लगा कुछ नहीं होगा रूट पे, लेकिन इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा व्यू,
सच में बता रहा हूँ आपको, कैमरा वो जस्टिस नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी मैं कैमरे में ही देख रहा हूँ, जो मेरी आंखें देख पा रही है ना, छोटे छोटे से यहाँ पर आइलैंड हैं। सो ये व्यू देख के तो दिल खुश हो गया। आज ज़रूर थोड़ी अपनी डेस्टिनेशन पे लेट पहुँचूंगा, लेकिन आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ ना, जो मुझे लोकेशन अच्छी दिखती है रुक जाता हूँ। तो आज मैं पूरी 15 या 18 दिन या 20 दिन के बाद ऐसे रुका हूँ, नहीं तो चलते रहते हैं हम लोग। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ऐसी ऐसी लोकेशंस बहुत आई थी बीच में, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे भी देखना चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, रादर मैं फटाफट से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने की करूं, है ना। ब्यूटीफुल, नाइस। सो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के हम लोग अभी पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रोग मोनेस्ट्री में। और इस मोनेस्ट्री को बोलूं तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री मुझे लग रही है, क्योंकि जब मैं ऊपर भी आ रहा था ना बाइक से, तो यहाँ पर इतने सारे कार से लोग नीचे जा रहे थे जो विजिट कर चुके थे, और पीछे भी हमने बाइक पार्क कर दिया है। अभी भी बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये जो मोनेस्ट्री है ना, ये डिस्कवर की गई थी 17th सेंचुरी में, और एक आदमी था जिसका नाम था विसिलजे। 1671 में उसकी डेथ हो गई थी, और कहते हैं कि उसकी जो बॉडी है ना, वो यहीं पर ही बरी कर दी गई थी। मोनेस्ट्री में ना जाने का रास्ता कुछ ऐसा है। सो अभी आप ये जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन देख रहे हो जिसके अंदर मैं चल रहा हूँ, अच्छी खासी स्टेयर्स बनी हुई है और पूरा रास्ता बना हुआ है जाने का। तो कहते हैं कि 1923 से 1926 के बीच में ना इसका पूरा आर्किटेक्चर किया गया था मॉडर्न तरीके से, क्योंकि उससे पहले इस जगह पर आग लग गई थी और ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस जो थी ना, वो काफ़ी हद तक अंदर से डैमेज हो गई थी। तो 1923 से 26 के बीच में इसको अच्छी तरह से मॉडर्न फील भी दिया गया था, मॉडर्न टच दिया गया था इसको। और मोनेस्ट्री है ना, तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि मोनेस्ट्री यूजुअली क्या होता है, एक छोटा सा कमरा होता है, और वहाँ पर इनके गॉड गॉडेस की जो होती है थोड़ी सी फोटोज होती हैं, तो वहाँ पर यूजुअली कैमरा अलाउड भी नहीं होता। सो डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट। तो यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक छोटा सा रूम है, और वहाँ पर जो मैंने बताया ना विसिलजे, उनकी डेड बॉडी जो है शायद वही पड़ी हुई थी। और वहाँ पर फादर थे जिनके हाथ में क्रॉस था, उन्होंने यूजुअली मूवीज़ में दिखाते हैं ना, क्योंकि मैं इतना चर्च गया हूँ नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अंदर वो एक जगह पे खड़े हुए थे, फादर ही होंगे वो। तो उनसे मैंने पूछने की कोशिश करी कि कुछ मुझे बता दो कि ये क्या जगह है। उनको एक्चुअली इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे रफली वही चीज़ बताई, थोड़ा तोड़ मोड़ के जो मुझे समझ आया वो यही उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर अपना सर झुका सकते हो, और वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की भी शायद उन्हीं की थी फोटोज लगी हुई थी, और जितने भी लोग आ रहे हैं तो वो क्रॉस है फादर के हाथ में, तो उनके सर के ऊपर लगाते हैं और ब्लेसिंग्स होती हैं, वो ब्लेसिंग्स देते हैं उनको। तो छोटा सा कमरा है, बहुत बड़ा कमरा नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना मोनेस्ट्रीज में ऐसा ही होता है। यू हैव एनीथिंग टू ईट इन वेजिटेरियन? सॉरी नो, 20 मीटर्स लेफ्ट, या फास्ट फूड, बट इट वाज क्लोज्ड। ओपन ओपन, इट वाज ओपन, यस, आई थॉट इट वाज क्लोज्ड। I thought it was closed. Oh yeah, yeah. I don't know. I have to see. I have to check it once again. Oh. Anyway, thank you. मैम, इज देयर एनीथिंग टू ईट? नो, ओके। हाउ फार इज नेशनल पार्क? 20 किलोमीटर। 20? इज देयर एनीथिंग स्पेशल टू सी इन दैट नेशनल पार्क? यस। व्हाट? My English bad. No, that is fine if your English is not good. No. Help me. I don't know what to see in the national park. Help me. Natural. Only natural. Okay, natural beauty. Yes. Okay. तो अपनी बाइक में पेट्रोल आया 16 यूरोस का, 1.69, ठीक है। मतलब अब तो मुझे 2 यूरोस का भी होता ना, तब भी लगता है कि सस्ता है पेट्रोल। अब आदत हो गई है 2 यूरोस देखने की। अब उल्टा सस्ता होता ना तो मुझे लगता है यार बड़ा सस्ता पेट्रोल है। अब इंडिया में जाऊंगा तो लगेगा अरे 100 रुपये तो लीटर है, क्या है। अब तो 2 यूरो भी सस्ता लगता है।
बड़ी देर के बाद अभी मैंने कैमरा ऑन किया है जस्ट व्यू दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि ये जो रोड है ना प्रॉपर हाईवे चल रहा है, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आई होप आपको दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है यहाँ से। इतनी ठंड है यहाँ पर और ये लोग निक्कर और हाफ स्लीव या कट स्लीव में घूम रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं ये लोग। हम पास पे पहुँच गए एक, तो ये एक पास है 101% टॉप पॉइंट है। कितना अमेजिंग रूट है, पहले हमने सोचा था हम यहीं पर ही कहीं पर स्टे कर लेते हैं और यहाँ पर ना लोग कैंपिंग वैम्पिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मोटर होम्स भी हैं या फिर वो पूरे उस प्रिपरेशन से आए हुए हैं। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और अभी टाइम हो चुका है 6 बजे अभी, और 6 बजे अगर इतना ठंड है ना तो रात को तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी। और हमें अभी ये भी नहीं पता कि जो नेक्स्ट रहने का मतलब ठिकाना है हमारा कहाँ पर होने वाला है, तो देखते हैं जहाँ तक भी आज पहुँच पाएंगे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। जीप रैंगलर, जीप रैंगलर ऐसा लगता है थार आ रही है, जीप रैंगलर रैंगलर। ओ भाई साहब टोयोटा डिफेंडर, ओहो काफिला ही चल दिया भाई इनका तो। सामने का व्यू देख रहे हो आप, जबरदस्त। और मैक्सिमम मुझे लगता है हमारे पास और होगा आधा घंटा या 45 मिनट्स और होंगे हमारे पास रोशनी के अच्छे खासे, तो इतने में ही हमें कोई ना कोई आज का ठिकाना ढूंढना होगा। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा कर्व दिख रहे हैं मैप में, अभी तो हमें बहुत लंबा ये जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला रूट ना पूरा ये वहीं लेके जाएगा बॉर्डर पर, क्योंकि आपने मैप में क्या लगाया है वो कितनी दूर है, वो 9:30 बजे तो पहुंच रहे हो, तो बॉर्डर के बाद है ना, कितना अंदर है वो, आज ही बॉर्डर पार कर लोगे आप। मेरे को तो इंट्यूशन यही बोल रहा है, ये जो मैंने मैप लगा रखा है ना ये मैंने बोस्निया का लगा रखा है और बोस्निया के कैपिटल का लगा रखा है, 3 घंटे कितना 25 मिनट, और पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है। हमारा क्या प्लान था, हमें था कि हम यहाँ पर कहीं पर रुकेंगे, लेकिन फिर मन नहीं किया रुकने का, सोचा आगे निकलते हैं, और आगे निकलने के बाद मुझे लगता है कि हम कंट्री में ही एंट्री लेंगे सीधा। सर कहाँ रह गए, पहाड़ी एरिया ना पीछे छोड़ नहीं सकता, और शाम का समय भी हो रहा है, लोकेशन भी ऐसी है। क्या हुआ, मेरे को खुद इतनी ठंड लग रही है अभी, सर को ठंड लगी बहुत एक्सट्रीम, सर ने तो हाथों में अपने विंटर लेयर्स पहन लिए हैं। गोल्डन पीरियड शुरू हो गया, गोल्डन टाइम देखो सन का, ये पहाड़ के ऊपर दिख रहा है, या तो मिट्टी ऐसी है मुझे लग रहा है। ऐसे सर को ना या कोई भी जब पीछे होता ना उसको छोड़ा नहीं जा सकता, मैं आगे आगे पता नहीं कितना दूर निकल जाऊं और सर किसी भी सिचुएशन में फंस गए,
बाइक बंद हो गई, और कुछ होना हो चलो और कोई बात नहीं बोलूँगा, सिर्फ बाइक बंद हो गई, बैटरी डेड हो गई, कुछ भी हो गया तो इतनी दूर से वापस आने से अच्छा ना मैं हमेशा मिरर में देखता रहता हूँ, और अगर नहीं दिख रहे तो फिर आगे जाके रुक ही जाता हूँ मैं। होए होए कितना प्यारा लग रहा है, आपको नहीं दिखेगा गोप्रो में बट इतना अच्छा लग रहा है, कितनी ही प्यारी लोकेशन है। और हम दोनों के अलावा ना यहाँ पर अभी अजफ में कोई भी नहीं है, पिछले 7-8 किलोमीटर से या 10 किलोमीटर से कोई भी नहीं दिखा और मुझे आगे भी नहीं लगता कोई दिखने की उम्मीद है, कहीं पता लगे दूसरे पास पे चढ़ा दे। मूड में आ गए सर, पता लगे ही हमें कोई दूसरे पास पे चढ़ा दे भाई, अभी हमने अच्छी खासी नीचे फ्लैट उतर गए थे, ऐसे रोड को देख के एक्चुअली लग रहा है यार क्या हमारा सही डिसीजन है या नहीं है, रात को अगर ऐसी रोड पे बाइक चलानी पड़ गई ना भाई साहब। ये बहुत अच्छा है कि हम दोनों की बाइक्स में पेट्रोल अच्छा खासा हमने फुल करवाया हुआ है, तो पेट्रोल की हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट का दिक्कत है भाई। शिट मैन, ये चीज़ एक मुझे नहीं करनी और वो करनी, पता नहीं कैसे कर ली यार। पूरा फॉरेस्ट एरिया में से लेके जा रही है रोड। शाम का समय हो रहा है और 15 मिनट में यहाँ पर हो जाएगा पूरा अंधेरा, और अंधेरे में फिर बाइक चलाना ऐसी टेरेन के ऊपर इज़ नॉट एट ऑल सेफ। सेफ्टी मतलब एज इन हमें क्या पता यार, हम फॉरेन लैंड में है भाई। अब कई बार तो मैं बोलता ही हूँ ना, दिस इज़ वॉट आई कॉल एडवेंचर। तो ठीक है, थोड़ा बहुत एडवेंचर ऐसा भी कर लेते हैं, सब कुछ तो देख लिया, अब ऐसे रात वाला भी एक एडवेंचर एक दिन के लिए भाई, इसके बाद नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हो दिखाऊं, ये देखो एक टनल ख़त्म हो रही है और उसके साथ ही दूसरी टनल भी शुरू हो रही है। ओहो इधर से इधर कनेक्ट कर रही है, सही है यार, सही बना दिया टनल पे टनल इन्होंने।
बॉर्डर आ गया क्या? हेलो सर, विच प्लेस इज दिस? विच प्लेस इज दिस? नहीं, विच प्लेस इज दिस? बॉर्डर मॉन्टेनेग्रो। ओके, मॉन्टेनेग्रो का बॉर्डर हो गया ना सर। पासपोर्ट, मोटर, माय रजिस्ट्रेशन ऑन द टॉप HR51। यस, दिस इज माय रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अपनी एग्जिट हो गई, पता ही नहीं लगा कि बॉर्डर आ भी गया। हम तो अपनी मस्ती में धुन में थे, आज का कोई प्लान ही नहीं था हमारा बॉर्डर पार करने का, और सडनली ये तो कैजुअली बॉर्डर पार हो गया। तो यहाँ से अब आएगा बोस्निया का बॉर्डर। तो ये होने वाली है अपनी पांचवी कंट्री, बोस्निया। Do you have green card? No. Insurance, you don't have. We are coming from Greece. Yeah, but when you enter in Bosnia, you must insurance for the bike. Yeah, but you must have insurance on the entering. Okay, so how much is the cost for insurance? If you want to buy, you must turn back to Montenegro border to buy insurance for the Bosnia. Okay. And how much it does it cost? I think it's like 20-30 euro for 7 days. पहले पीछे जाना पड़ेगा लेने इंश्योरेंस। हाँ हाँ। You go back to buy. Yes. Okay. कहाँ मिलेगी? ये बोल रहे हैं मॉन्टेनेग्रो बॉर्डर पे। मॉन्टेनेग्रो बॉर्डर पे? This is small cross. We don't sell. They sell. At Montenegro border. Yes. लगभग 7 दिन की इंश्योरेंस मिलेगी। और ग्रीन कार्ड मेरे ख्याल से सारी कंट्रीज़ के लिए वैलिड होता है। ग्रीस में एंट्री में ग्रीन कार्ड मांगते हैं, पर हमसे मांगा नहीं था। लेकिन लेट्स सी अब यहाँ पर कितना पैसा लेते हैं। वी वांट टू बाय इंश्योरेंस फॉर बोस्निया एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट? मिनिमम 7 days, 18 euro। हाउ मच फॉर 7 days? 7 days, 18 euros. ओके, तो आपको सारी स्टोरी तो ऑलमोस्ट पता लग ही चुकी है कि अभी हम कहाँ पर हैं। हम हैं इस समय बोस्निया और मॉन्टेनेग्रो के बॉर्डर पे, और कोई प्लान नहीं था हमारा कि हम यहाँ पर ऐसे बॉर्डर क्रॉस करेंगे। लेकिन जो लोकेशन थी ना, जो हम नेशनल पार्क हमने राइड कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और हमें एक्चुअली प्लान हमारा ये था कि हम ना वहीं पर ही स्टे करेंगे, लेकिन पता नहीं यार वहाँ पर हमें होम स्टे गेस्ट हाउस हमारे मतलब का दिखा भी नहीं, और पता नहीं वहाँ पर थे या नहीं थे, और जितने भी थे ना वो सारे डिटोर थे इधर उधर। इसके लिए ही हमने प्लान किया कि हम ना बॉर्डर की तरफ ही चलते हैं, अगर कोई होटल मिल जाएगा तो पीछे रुक जाएंगे, अदरवाइज बॉर्डर क्रॉस ही कर देंगे। और जैसे ही वो चेक पोस्ट आया ना, तो एकदम से ना एक सेकंड के लिए मैं शॉक हो गया कि अरे यार बॉर्डर क्रॉस भी कर रहे हैं हम लोग। पर ऐसा ही होता है जब आप शेंगेन कंट्री या फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर या फिर यूरोप में होते हो, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे आ जाती है पता नहीं लगता। साथ में अपना जो है यहाँ पर इंश्योरेंस जो था, जिसे हम ग्रीन कार्ड भी बोलते हैं मोटरसाइकिल के लिए, तो वो बहुत मैंडेटरी होता है। जैसे हमें ग्रीस के लिए नहीं पूछा था, बट हमारे को कहाँ पर पूछा था, हमें मॉन्टेनेग्रो के लिए पूछा था, जिसके हमने 10 यूरोस पे किए थे। और यहाँ पर अभी हमसे जो चार्जेस लिए हैं वो लिए हैं 18 यूरोस फॉर 7 डेज। तो ये इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। तो अभी यही वाले कैफ़े में आए हुए हैं, तो पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद आगे अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे और अपनी नई कंट्री में एंट्री लेंगे। तो आज का जो डिनर है ना, बॉर्डर पे ही बैठ के कर रहे हैं हम लोग, और अपना वेजिटेरियन खाना आ चुका है यहाँ पर। और ये मैंने मंगाया है, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स हैं ये, और साथ में ये फ्राइज़ हैं, और साथ में इन्होंने टमाटोज दिए हैं, और साथ में ये ब्रेड दी हुई है। और इसको भी मैंने खा के देखा, मतलब थोड़ा सा नमक कम है, क्योंकि हमें हैबिट थोड़ी नमक की होती है, बाकी टेस्टी है वाला बहुत। और फ्राइज़ तो ऑब्वियसली हमेशा टेस्टी होते हैं। तो इस वाले फूड के जो हमें चार्जेस दिए हैं, वो दिए हमने 5 यूरोस। तो ठीक है, पेट भर जाएगा इससे, और फिर अपनी राइड दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो वेलकम टू बोस्निया, हमारी 5th कंट्री। पहली कंट्री ग्रीस, दूसरी कंट्री अल्बेनिया,
तीसरी कंट्री नॉर्थ मैसेडोनिया, चौथी कंट्री मॉन्टेनेग्रो और पांचवी कंट्री हमारी हो चुकी है बॉस्निया। तो वहाँ जो पुलिस ऑफिसर थे ना, उनसे हमने पूछा था कि नेक्स्ट सिटी या टाउन कितना दूर है, तो उन्होंने बताया कि 35 किलोमीटर के बाद आपको एक मिलेगा जहाँ आप स्टे कर सकोगे। और 35 किलोमीटर करने में भी यार कम से कम हमें ना 45 मिनट्स लग ही जाएंगे। तो देखते हैं आज, या तो फिर जाएंगे तो सीधे ही 90 किलोमीटर ही मार देंगे, 12:30 बज जाएंगे। बस प्रॉब्लम यही है कि कोई होटल नहीं मिलेगा 12:30 बजे चेक इन करने के लिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया अभी, पर आज का दिन बहुत बड़ा हो गया। थैंक यू। आई होप भगवान जी यहाँ रूम मिल जाए, हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी मेरी। 11:30 हो गए यार। नहीं, टुगेदर 64, बट वी हैव यूरोस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रात को तो बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, सच बता रहा हूँ। कोई प्लान नहीं था हमारा कि हमें रात को इतनी लेट, लगभग हम 12:30 इस होटल में आए थे, और अभी हमें साराजेवो में, जो है कैपिटल ऑफ बॉस्निया, बिल्कुल प्लान नहीं था हमारा रात को ऐसे राइड करना है। पर करते करते हम लोग बिल्कुल कैपिटल में पहुंच गए, पर जो होता है अच्छा होता है। बाकी हमें बहुत एक डिसेंट सा यहाँ पर रूम मिल गया था, ये होटल बहुत बड़ा है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, और अपनी जो बाइक्स खड़ी हैं ये नीचे सामने ही अपनी बाइक्स खड़ी हुई हैं। और ये जो हमने रूम के चार्जेस पे करे हैं, वो पे करे हैं 60 यूरोस फॉर अ नाइट, इसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। सो आज का जो व्लॉग है, मुझे लगता है मुझे यहीं पर ही रखना चाहिए। आई होप जो मैंने आपको पूरा दिखाया बॉर्डर क्रॉसिंग और वो जो नेशनल पार्क दिखाया, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बहुत जल्दी अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।